जितने भी आपके व्यूअर्स हैं जो आपको जानते हैं उनके लिए ये चार नाम काफी थे. जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ दैट सागर इज प्लेइंग गिटार, देन पियानिस्ट जो है वो है साहिल जो उसके एग्जैक्टली बाजू में है, देन दैट इज मानव जो कि लीड वोकलिस्ट है बैंड के, और जो जिसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है स्क्रीन पे वो है मोहित जो कि ड्रम और आई एम बिजी बहुत काम कर रहे होते हैं टेक्निकल. मोहित इज अ टेक्निकल गाय और ये मल्टीटास्किंग बैंड है, दिल्ली से है चारों के चारों, राइट? यस यस यस. सो दिल्ली के लड़की सीधे कैसे हो रहे थे? क्या 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 दिल्ली के लड़के मैंने इतने सीधे कभी देखे ही नहीं. दिल्ली के लड़के सीधे होते हैं? कुछ नहीं ना, मैं बता रही कुछ नहीं ना, सारा खराब क्या हुआ है. Right. बहुत इंप्रेशन, बहुत ज्यादा इमेज मेकओवर की जरूरत है दिल्ली के लड़कों को. बट अच्छा है आज अतिथि के थ्रू जितने लोगों को पता, कितने लोगों को और शायद अतिथि को भी पता चल जाएगा कि दिल्ली के लड़के इतने नहीं होते खराब जितनी उनकी इमेज है. हाँ, मतलब तुम सबको सुनने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली आऊंगी तो अगर मिलने लायक को लड़के हैं तो वो आप चार हैं. क्या बात. Yes. पता है पोलाइट अप्लॉज सेविंग दिल्ली की इमेज. बट नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ट्विन स्ट्रिंग बैंड एंड थैंक यू. आई रियली लाइक योर म्यूजिक, स्पेशली द ओरिजिनल वन. मैंने बीच में मानव को फॉलो भी किया एंड देन आई अनफॉलोड हिम. यू नो व्हाई? मानव तुम्हारे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे बताओ मैं प्लीज. व्हाई सो? क्योंकि तुम्हारे ओरिजिनल्स जो होते हैं, तुम्हारे बैंड के जो गाने होते हैं या फिर तुम जो ऐसे ही कुछ गा के सुनाई देते हो ना, मतलब उसके बाद क्या हो जाता है, मेरे जैसी लड़कियों को ये होता है कि प्यार हो जाएगा, इसको अनफॉलो कर देते हैं. ब्लश ब्लश. सो एक क्विकली, ये प्लान हमने कुछ नहीं सोचा हुआ है लेकिन एकदम आपको जैसे ही देखा तो हमारे दिमाग में गाना आया, तो हमने सोचा व्हाई नॉट टू डू दिस सॉन्ग. अभी लाइक 5 मिनट्स पहले जस्ट बिफोर जैसे मैं कैमरा ऑन करने वाला था लाइव, तो राइट राइट राइट, दिस कैन गो एनीवेयर. सो बट वी विल बी डूइंग इट फॉर यू बिकॉज़ यू विल गेट टू नो व्हाई दिस इज फॉर यू. डोंट टेल मी दिस इज कभी कभी आ देती है. नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. करना है चेक चेक चेक. वो बोर हो गए आदित्य सुन सुन के ये सॉन्ग. लेट्स स्टार्ट. यप. जाने अजाने ए दोड़ी आवे रे, जो नाम पराने वधु बुलावे रे. मन मेड़ो जाने अजाने ए दोड़ी आवे रे, जो नाम पराने बधु भूलावे रे. मन मेड़ो भूल चूक माफ प्लीज. नहीं नहीं, ये बहुत ही परफेक्ट था. बीइंग अ नॉन गुजराती, आपने ये गुजराती गाना सबसे पहले सेलेक्ट किया, उसके लिए थैंक यू. और अच्छा लगा मुझे कि किसी ने कभी कभी आदिति नहीं गाया है. बहुत बख्शती हूं. थैंक यू थैंक यू. एक ऑनेस्ट बात बताएं, प्लान बिल्कुल नहीं गाने वाले हम सोच रहे थे बट हमने आंखों में इशारा किया कि नहीं ये नहीं करना है. नेक्स्ट सॉन्ग. बट मनमेड़ो इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग sung by Siddharth Amit Bhavsar, who is also a fan of your band. And we are also a fan of his. We follow his work, yeah. Yeah, he is amazing singer. और मुझे काफी अच्छा लगा कि आप लोगों ने सबसे पहला गाना गुजराती गाया हमारे लिए. जितनी भी ऑडियंस है उसको भी काफी अच्छा लगा है. And tell me how you started your journey 3 years back, right? जर्नी की अगर बात करें तो इट वॉज वेरी यू नो बड़ी स्वीट सी थी. डिफरेंट है बाकी नॉर्मल बैंड. वी वर इंजीनियर्स, हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे थे एंड वी यूज टू मेक म्यूजिक. सो एंड मोहित इज माई कजन, सो ही यूज टू बी देयर ऑलवेज. तो हम जब भी म्यूजिक बना रहे होते थे, ही वॉज द टेक्निकल गाय कि अगर कुछ प्रोड्यूस करना है, सो ही वॉज द वन कि यार मेरे पास आओ कुछ रिकॉर्ड करते हैं. तो जब भी ये होम टाउन से इधर आता था, इवन फॉर अ डे, सो वी मेक श्योर कि कुछ तो बना के जाएं. उस टाइम टाइम की वैल्यू थी क्योंकि पढ़ाई करनी होती थी, एग्जाम्स देने होते थे, राइट? एंड यू नो कैसे कॉलेजेस होते हैं हमारे इस टाइम पे. तो आई नो ऑल द इंजीनियर्स आर देयर इन माई फॉलोअर लिस्ट. या सो एवरीबडी, सो आप लोग तो जो सुन रहे हैं आप तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे होते थे, जो भी टाइम मिलता था वी यूज टू प्रोड्यूस समथिंग. एंड मानव जी तो बचपन से ही म्यूजिक करते थे. व्हेन ही वाज बॉर्न तो नर्स ने बोला जी ये तो आपका म्यूजिशियन हुए. नहीं 6 साल लगे मुझे यार बचपन से. सो एनी वे, तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड एंड म्यूजिक करते करते एंड वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल. एंड कुछ लोगों ने हमारे गाने पसंद करने शुरू किए, लेकिन जैसे ही हमारा पहला मिलियन आया ना, हमने कहा नौकरी छोड़ो भाई, यही करना है लाइफ में, यही हमारी कॉलिंग है, ऊपर वाले ने हमें इसी के लिए बनाया. तो मतलब 1 मिलियन फॉलोअर्स, सॉरी नॉट फॉलोअर्स बट व्यूअर्स, हाँ. उसके बाद
1 million views आए तब से लेके अब तक, जो कि मैंने अपना ट्रैवल मेडली देखा था जो मैंने रनोत्सव के टाइम पे यूज किया था. एंड मेरा जो एडिटर है उसको आपके गाने बहुत पसंद आते हैं, और उसने मुझे, तब मैं नहीं जानती थी कि ट्विन स्ट्रिंग क्या है, उसने जैसे ही वो पूरे गाने पे ट्रैवल मेडली पे जैसे ही वो बनाया वीडियो, मैं बोलूँ ये कौन से लोग है, ये कहाँ से लेके आया तू गाना? तो बोले ये वाला, तब तुम्हारे सब्सक्राइबर समवेयर अराउंड 5 से 6 लाख थे यूट्यूब के ऊपर, और मैंने देखा था उसके ऊपर भी करीबन काफी मिलियन व्यूज है ट्रैवल मेडली पे, तो yes. अब तो 5 मिलियन हो गए होंगे. yes. जब मैंने देखा तब तो कुछ 3-4 मिलियन थे. नहीं, सो द स्टोरी इज, जब हमारे फर्स्ट किसी सॉन्ग पे 1 मिलियन आए थे तो हमारा था कि यही करना है, बट लेटली रियलाइज हुआ कि मिलियन व्यूज एंड ये सब तो लाइक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट विद द टाइम जब हम लोग ने साथ में ऐसे म्यूजिक करना स्टार्ट करा एंड फुल टाइम ऐसे लेटली रियलाइज करा कि वी वांट टू डू दिस एज अ फुल टाइम एंड देन जस्ट ये सब स्टार्टेड. तो नहीं हो रही अब कौन सा सागर है कौन सा साहिल? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत फर्क है. अच्छा, कीज पे सागर है और गिटार पे साहिल है. परफेक्ट. ये साहिल है, चश्मे में साहिल है, तुम सागर हो, वो मोहित है, वो मानव है. परफेक्ट. ठीक है, तो मतलब क्या है ना, आपका मीडिया में काम किया है थोड़ा सा, तो रिसर्च करके बैठती हूँ. होमवर्क गुड है. चलो, तो आपने बोला कि आपका फेवरेट गाना है ट्रैवल मेडले, तो हम थोड़ा सा आपको ट्रैवल मेडले का पार्ट सुनाते हैं. Yes. कहीं ना कहीं कितने भी गाने कर लें वो ट्रैवल का जो इतनी जो यूरोप और स्पेशली इस टाइम पे जिस टाइम पे हम कहीं जा yeah. नहीं पा रहे वो वाइब जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो दिस सॉन्ग टेक्स अस बैक टू यू नो यूरोप में सारी कंट्री जो हम घूम रहे थे. सो वी डू अ स्मॉल पोर्शन प्लीज प्लीज. चलो, 1 2 3 यारो जी भर के जिल पल लगता है आजकल दौर अपनाएगा, यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझे कल बुलाएगा. है जुनू, है जुनू सा जीने में, सफर नाम
थैंक यू सो मच. ये प्रॉब्लम हो जाती है. अब क्या हो गया, अब मैं पूरी क्लूलेस और स्पीचलेस हूँ. अब मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलूं. अब आप कच्छ में पहुंच गए. हाँ यार, मुझे सारे वो विजुअल्स दिखने लगे. अरे मैं इमेजिन कर रही थी कुछ कनेक्ट हुआ जो आपने वीडियो में देखा था और जो सुना था कुछ. भाई भाई सेम भाई. वाह, अरे इतना तुम कैसे कर लेते हो, मतलब तुम गाने भी बनाते हो, तुम लिखते भी हो, तुम गाते भी हो, वीडियो भी खुद शूट करते हो और खुद ही एडिट कर लेते हो. ये तब होता है, ये तब होता है जब आपके पास थोड़े पैसे की कमी और बजट में सब करना होता है. तो खुद ही करना, यू कांट हायर सम एनीबॉडी, सो यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. पर आने वाला टाइम आई गेस ऐसे ही है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनते जाना. बट आई थिंक हम फॉर्चुनेट हैं कि द वीडियो गाय सागर वो भी हमारी टीम में है, द मिक्सिंग इंजीनियर, इनके लिए तो क्या ही कहें. सो सब कुछ आपको एक रूफ के नीचे सारा पूरा का पूरा टीम मतलब इतना सारा टैलेंट है कि मुझे ऐसा ये सवाल नहीं करना चाहिए कि किसको क्या आता है. मुझे ये सवाल करना चाहिए कि सबसे कम टैलेंटेड कौन है चार में से. कि भी मेरे पास दो ही क्वालिटी है, बाकी सबके पास भर भर के, ऐसा कौन है. मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो मानव के पास है. अरे नहीं, हाँ. मुझे इसलिए बोलो कि तुमने अभी अदिति पे रिसर्च किया. सबसे ज्यादा वाली है. अच्छा एक बात बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक बात बताओ, आपने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरव्यू भी किया ना, बहुत सेलिब्रिटीज के साथ, कौन कौन, इफ यू वांट टू नेम फ्यू, कौन कौन है. बहुत सारे हैं यार, रीसेंट वाले याद आएंगे मुझे. मनोज वाजपेयी जी है, देन जॉन इब्राहिम है, देन वरुण धवन, देन जैकलिन, अजय देवगन. तो आपने लोगों के साथ जब काम कर रहे थे आप, मतलब यू यूज्ड टू वर्क, आपने कभी सोचा था सपने में भी कि आपको हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा ऐसे लाइव आने का. सपना पूरा हो गया है, क्या बताऊं सागर में. आप सागर को टेक्स्ट में अलग से गालियां दे सकते हो. जस्ट इमेजिन, ये तो सिर्फ इंस्टाग्राम लाइव कर रही हूँ तुम लोगों के साथ. अगर तुमने बनाया कोई गाना है जिसके अंदर मैं लीड हूँ, बस जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए. आई थिंक दैट इज ऑन द कार्ड्स. स्टोरीलाइन मैं ही खुद लिख के भेज दूंगी. बेस्ट है, मेरा काम भी आधा हो गया. फिर सॉर्टेड है. वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर स्टोरीलाइंस. हमारे ओरिजिनल्स के लिए मैं स्टोरीलाइन चाहिए. ओरिजिनल्स के लिए मेरे पास अच्छी सी स्टोरीलाइन होती है. क्या है ना कि मेरी खुद की जिंदगी भी हजार कहानियों से भरी पड़ी है. आप बता सकते हैं एक आधा कोई छोटी कहानी बताना चाहें जैसा आपको शेयर करना. वो ऐसा क्या है कि आपको उगलवाना पड़ेगा सवाल पूछ के, ऐसे ही मैं नहीं बता देती हूँ. अच्छा, जैसे आप लोगों के एक प्रोसेस होती है ना गाने की, कि कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ महसूस किया और फिर गाना बनता है, बिल्कुल वैसे ही मेरी कहानी का भी एक प्रोसेस है. फिर हम कुछ सॉन्ग्स करते हैं और उसके बाद क्या पता कुछ कहानी निकल कहानी जाननी हो तो सवाल करने पड़ेंगे. ऐसे गाने आप गाओगे ना तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी. ये तो प्लान है हमारा. तब और बात करेंगे ना फिर अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में. बेस्ट बात सही है. चलो बारिश की थीम को आगे बढ़ाते ना, राइट. सो और कुछ गाने, व्हाट डू यू थिंक, कुछ और है ज़हन में यार. बारिश बारिश के ऊपर आप लोगों ने, आई नो तुमने शुरुआती बारिश के गाने से की हुई है, बट ये जो मौसम है, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बारिश के ना होने के बावजूद भी बारिश के होते हैं. वो जब आते हैं तो पता नहीं चलता है कि ये बारिश के ऊपर बनाया नहीं बनाया, बट जब आ जाते हो और कभी बारिश में सुन लिया तो ऐसा लगता है कि यार ये गाना वैसे मॉनसून सॉन्ग नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है मॉनसून में. ऐसा कोई गाना गा सकते हो? ट्रिकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. ये अच्छा है, तुम लोग साइलेंटली बात कर लेते हो अंदर अंदर ऐसे करके. चलो लेट्स डू इट देन. चलो चलो. सो ये वो गाना है जो आप बारिश के ऊपर नहीं है, लेकिन अगर बारिश हुई और आपने सुना तो आपको प्यार हो सकता है. सो लेट्स डू दिस. लेट्स डू इट ऑन सी मेजर. Okay. मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर. कहीं पे हो रातें
कहीं पे सवेरे आवारगी रहे साथ मेरे ठहर जा ये कहती है तेरी नसर क्या हाल हो गया है मेरा आँखें तेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी Just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. अब करते हैं, अब मत जाना प्लीज हमें छोड़ के. मतलब मैं इतना पिस्ड ऑफ हो गई, मैंने सबसे पहले ट्वीट किया ऑल थैंक्स टू एयरटेल. दैट्स ओके, इट्स ओके. ओह नो, नॉट अगेन, प्लीज कम बैक. नहीं, हमने देख लिया, आई गॉट योर स्क्रीनशॉट वेयर योर नेटवर्क इज 100% राइट. बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू द शो एंड वी विल डू सम सॉन्ग्स. बिल्कुल भी दो मिनट के लिए ऐसे रुको मत, ऐसा लग रहा है फिर अटक गए और फिर ऐसे ऐसे करते रहना हल्का हल्का, सो दैट वी कैन गेट टू नो की चल रहा है, सब सब सही है. हमें लगता है आप ऐसे फ्रीज हो गए. तुम पहले ऐसे हो जिसने मुझे ऐसा बोला है कि तुम हिलते रहो, वरना मुझे लोग बोलते तुम प्लीज दो. नहीं, अगर नेटवर्क इशू नहीं होता तो हम भी बोलते हैं बैठे रहो. देखो रोक दिया. Okay. अच्छा, अभी I think now the network is perfectly okay. It's better, yeah. And I can hear you perfectly. Sound भी अच्छे से आ रहे हैं. बस दिल को ऐसे रुला दे, ऐसे गाने मत गा लो. अब ऐसे सिर्फ रोमांटिक गाने गाते हैं हम. आप exactly अभी कहाँ हो आप? Because it's oddly quiet over there. क्योंकि मैं अपने स्टूडियो में हूँ. स्टूडियो में हो? Oh wow. वहाँ भी बारिश, यहाँ भी बारिश. Ouch. हाँ. Wow. Before ये गिर जाए. चलो लेट्स गो. सो सॉन्ग करें? हाँ जी. सो हम एक सॉन्ग कर रहे थे आपके लिए और उसी के बीच में नेटवर्क इश्यूज हो गए. बट एनीवेज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. ओके, कौन सा सॉन्ग? मेरे ख्याल से गाने नहीं करने चाहिए, वापस आ दीदी चली जाएंगी हमें. हम बातें कर लेते हैं. लेट्स डू समथिंग फॉर द गुजराती ऑडियंस. या यस, एनी गाना हमने रिसेंटली सुना है, इतना प्यार और हमें गाने से प्यार आ रहा है सच में, बहुत प्यार. हमने पहले क्यों नहीं सुना जस्ट इन लव विद द सॉन्ग? आपके ऑडियंस को काफी पसंद आएगा. मुझे भी पसंद आएगा जरूर. आपको तो आएगी पसंद. बट मेरी गुजराती के लिए पहले ही मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज भूल चूक माफ कर देना, बिकॉज मुझे गुजराती, मेरी गुजराती अच्छी नहीं है. अच्छी क्या, मुझे आती ही नहीं है. एनीवेज बट थैंक यू कि तुम ट्राई तो कर रहे हो. एब्सोल्युटली. ऑलराइट ऑलराइट. तेरा मन मा
सतरंगी रे मन रंगी रे नतरंगी रे नवरंगी मुझ संगे तारे प्रीत सतरंगी रे मन रंगी रे नतरंगी रे नवरंगी मुझ संगे तारे प्रीत सतरंगी रे। फिर से नेटवर्क इश्यूज। शी इज बैक। यू आर बैक। सी गायब हो जाते हो। ये पता है क्या है? ये बहुत सिंपल है। सब चाहते हैं कि तुम हमारे स्टूडियो में आओ और ये सेशन करो और कुछ नहीं। अच्छा ऑफ कोर्स। बट दिस इज सो अमेजिंग। अरिजीत ने ये गाना गाया है, सचिन जीगर ने कंपोज किया है, नीरन भाई ने लिखा है ये गाना, which is from the national award winning film of Gujarat industry, Wrong Side Raju. Wrong Side Raju, right? Yeah. Beautiful song, very beautiful song. It's a very beautiful song. It's also a monsoon song. अभी रिसेंटली क्या किया था, वी पोस्टेड अ पोल ऑन आवर इंस्टाग्राम और लोगों से हमने पूछा जनरली कि आप अगर बारिश की बात करते हो तो आपको कौन सा गाना याद आता है। सो दिस पोल वॉज वेरी मतलब बहुत रैंडम था एंड उसकी वजह से एक सॉन्ग के बारे में हमें पता चला। दिस इज फ्रॉम अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नेम अनुव जैन एंड द सॉन्ग इज कॉल्ड बारिशें और इट्स 90 आई गेस कितने लोगों ने 20-30% ऑफ द एंटायर ऑडियंस वाज लाइक प्लीज डू दिस सॉन्ग एंड वी वर लाइक चलो ये गाना सुनते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा। सो लेट्स डू बिफोर यू फिनिश दिस इंटरव्यू और काइंड ऑफ यू नो दिस लाइव चैट एक बार वो सॉन्ग करके देन वील यू नो डू द नेक्स्ट आपका पॉडकास्ट पे आते हैं। ठीक है, let's do it. आपने सुना है वो गाना by the way? नहीं? Okay. तो पता चल जाएगा, ऐसा लग रहा है। Okay. इतने अच्छे से गाना मत गाओ कि किसी को प्यार हो जाए। मैं आज ही गला खराब कर रहा हूँ अपना।